हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और जैसा कि काफ़ी सारे रिक्वेस्टेज आ रहे थे कि आप 2017 और 2018 के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए बीएचयू एमएससी बॉटनी के, तो यहां पे मैं तो जा रहा हूं मैं दोनों क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने। और ये क्वेश्चन पेपर होगा 2017 का क्वेश्चन पेपर बीएचयू एमएससी बॉटनी का, जो एग्जैक्ट जो है 120 क्वेश्चन जिसमें पूछे गए थे, 360 मार्क्स का आता है। इससे पहले 2017 के भी जो क्वेश्चन होते थे वो 450 मार्क का आता था और वहाँ पे क्वेश्चन होते थे 150। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक बात और मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए बीएचयू एमएससी बॉटनी 2017 पर सोर्सेज, मैंने हर क्वेश्चन का सोर्स डाला है। ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये सोर्स वहाँ पे आपको मिलेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर कहाँ किस वेबसाइट पे है, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है बेस्ट वेबसाइट्स मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, ये भी आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। ये इतने हैं, बायो libretext.org, www.biologicaldiscussion.com, www.ncbinlmsir.gov, books, sciencedirect.com, britannica.com, ये ucmpberkeley.edu, ये जितने भी वेबसाइट हैं काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट हैं, सारे चीज़ें इसमें डिटेल दी गई हैं, ठीक है। आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। जैसे कि मैं सबको प्रमोट करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए या आप जो भी चीज़ें पढ़िए, केवल बुक से वो मत रहिए, क्योंकि बुक्स में मोस्टली ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें दी हुई हैं जो इंटरेस्टिंग नहीं बनाती हैं पढ़ने को। तो आप जो है इन वेबसाइट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर रिक्शिया मार्गेंसिया या कुछ भी हो, जिम्नोस्पर्म किसी का, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स दिए गए हैं सारे में, बढ़िया इलस्ट्रेशन दिया गया है सब में, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं आप ब्लैक एंड वाइट ई बुक पढ़ के चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो एक चीज़ होता है पढ़ने के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट भी आना चाहिए, तो इसीलिए ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। ठीक, सेट नंबर वन है, यहाँ पे भी अलग अलग सेट आते हैं, ठीक है, किसी को दूसरा सेट मिलेगा किसी को दूसरा, पर इस बार से ऑनलाइन होने जा रहा है पेपर, तो पेपर का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, मार्कशीट आपको नहीं मिलेगा, सीधे आपको कंप्यूटर पे ही सारा काम करना है, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन, और इस बार से मैं देखिए फुल मार्क्स कितना है, 360 मार्क्स का, आपको टाइम कितना मिलता है 2 घंटे का, और दिया है एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है और आपका कटेगा 1 मार्क अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो, ठीक है। इस बार मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि आप होप कि आपको सारा कुछ पता होगा कि जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, द सिस्टोकार्पिन बेट्रकोस्पर्मोमीज, बेट्रकोस्पर्मम पता है आपको, एल्गी का पार्ट है, फिर फ्लैजिला अपसन रोडोफाइसी साइनोफाइट है, ये सब कहाँ के हैं, एल्गी के हैं। तो मैं आपको अब ये नहीं बताऊँगा कि चीज़ें आती कहाँ से हैं, ठीक है, या कौन कौन सा क्वेश्चन किसका है, बायोटेक का है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वैसे मैं हर क्वेश्चन पर बताता जाऊँगा, ठीक है, पर पिछली वीडियो की तरह नहीं। चलते हैं, द सिस्टोकार्प इन बेट्रकोस्पर्मम आया है आपका एल्गी से, और वहाँ पे जब इसका आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, मैंने कहा ना जिसका क्लासिफिकेशन स्ट्रांग होता है उसको सारी चीज़ें पता होंगी, जर्नल अकाउंट किसका था, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है आपका इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस होता है कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा है या रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसमें, ठीक है। जैसे आप फंजाई केस में जाएंगे वहाँ पे फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, तो अलग अलग हैं, आपको पता है उसमें एक में एक्सस बनता है, एक में बेसिडिया बनता है, एक में रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं पाया जाता ऐसा, ठीक है, किसी में एसेप्टेट है किसी में सेप्टेट है, तो जिसका क्लासिफिकेशन मजबूत रहता है उसके लिए एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये आसान लगता है उनके लिए क्योंकि क्लासिफिकेशन से आता है, हमें जो है पढ़ने में मजा आता है। तो सिस्टोकार्प देखते हैं, जब आप बेट्रकोस्पर्म का लाइफ साइकिल देखेंगे वहाँ पर सिस्टोकार्प बनता है और वो सिस्टोकार्प होता है हैप्लॉइड, ठीक है। तो दूसरा वाला आंसर इसका सही है, आया है क्वेश्चन कहाँ से, एल्गी से। सेकेंड पे चलते हैं, कह रहा है फ्लैजिला आर जनरली अब्सेंट इन, किसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ठीक है। तो फ्लैजिला अब्सेंट होता है, आप देखेंगे जब आप फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में
जो होता है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये आंसर सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सेप्टेड माइसीलियम। मैंने आपको बताया था जब आप फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऐसा 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 ना बताया, तो एक्सेप्टेड माइसीलियम आपको ऊ माइसीट्स के मेंबर में मिलेगा। ऊ माइसीट्स का मेंबर है एल्बिगो, और एल्बिगो ही इसका सही होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, दो क्वेश्चन आपके एल्गी का है, थर्ड वाला आ गया आपका फंजाई से। ठीक, अब बात करते हैं सिंजोस्पोर्स, कहता है वाइकेरिया में होता है। वाइकेरिया क्या है आपका, वाइकेरिया आपका है एल्गी। ठीक, कह रहा है इसका जो सिंजोस्पोर होता है उसका क्या कैरेक्टर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है सिंजोस्पोर और बाईफेजलेट होता है, या बाईन्यूक्लिएट होता है, टेट्राफेजलेट होता है। जब आप उसके वाउचेरिया पर आप जाइए, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़िए, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वाउकेरिया जो होता है वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है और मल्टीफ्लैजलेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आया है ये फंजाई से। फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड किसे बोलते हैं, कौन सा फंगस है जो जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो मैंने आपसे बताया आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग, उसके हर क्लास के कुछ मेंबर्स होंगे, उसमें फिर राइजोपस है एक, उसका कॉमन नेम जो है ब्रेड मोल्ड है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। 6वें पे आते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, कौन सा ऐसा इसमें है, ये देखिए आया है कहाँ से, एडियंटम, एफेड्रा, ये सारे लाइकोपोडियम है। ठीक है, साइकस, जिम्नोस्पर्म से। ठीक, कह रहा है कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वेसल जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके मेन कॉमनली एफेड्रा में, कुछ अल्पाइन से एफेड्रा के स्पीसीज को छोड़ के एफेड्रा में वेसल्स सारे में होते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं कैलिप्ट्रा की, जो होता है मॉस पे, मॉस आ गया इसका मतलब, कहाँ से हुआ ये, ब्रायोफाइट से हुआ। कहता है जो कैलिप्ट्रा होता है मॉस के स्पोरोफाइट में वो क्या होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कैलिप्ट्रा का, स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड होता है, पर जब जो कैलिप्ट्रा है ये पार्ट होता है आपका दूसरा, गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। ठीक है, और इसीलिए ये होता है हैप्लॉइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एम्फीफ्लोई स्फाइफोस्टील इज फाउंड इन। ठीक, मैंने रेफरेंसेस में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन का लिंक कहाँ कहाँ पे, आपको वो पर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3 लिखा है वो यही क्वेश्चन नंबर है, उस पर लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे, सारा उसमें डिटेल सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील किस में पाया जाता है, तो एम्फीफ्लोइक जो होता है मतलब जाइलम के बाहर साइड और जाइलम के अंदर साइड, इनर साइड, ठीक, दोनों साइड फ्लोएम होता है। ये किस में होता है आप देखेंगे तो मार्सीलिया में होता है ये। फिर बात करते हैं क्लैम्प कनेक्शन, क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है, क्लैम्प कनेक्शन कहाँ पे होता है, फंजाई में मिलते हैं हमें। कह रहा है इन विच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शली इनडिपेंडेंट विथ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये होता है कहाँ पे, ब्रायोफाइट्स में, और किस ब्रायोफाइट्स में, एंथेरोसीरोस में। ठीक है, अब चलते हैं हेटरोस्पोरी किस में पाया जाता है, 4 यहाँ पे प्लांट के नाम दिए गए हैं, सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, एक्यूसिटम और लाइकोपोडियम। कह रहा है हेटरोस्पोरी किस में पाया जाता है, तो हेटरोस्पोरी पाया जाता है सेलाजिनेला में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12, कार्पोस्पोर्स होते हैं पॉलीसाइफोनी में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलीसाइफोनिया जो कि गलगा है उसका आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है। कह रहा है कार्पोस्पोर जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या हैप्लॉइड होता है। तो कार्पोस्पोर जो होता है पॉलीसाइफोनिया का वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी, 4 एल्गी दिया गया है, चारों क्या है, प्रोकैरियोटिक है। कह रहा है क्लोरोफिल बी किस में मिलता है, क्लोरोफिल बी आपको मिलेगा प्रोक्लोरॉन में। ओके, द पोजिशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेम्बर्स ऑफ ब्राउन एल्गीज कहाँ पे होता है, आपको पता होगा जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है एल्गी का, फ्लैजिला भी उसमें एक इम्पॉर्टेंस रखता है, फ्लैजिला का नंबर और पोजिशन। तो ब्राउन एल्गी में जब आप देखेंगे उसमें फ्लैजिला का पोजिशन लैटरल होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्लिस्टोथीसियम डेवलप्स
कब क्लिसोथीसियम बनता है, आफ्टर असेक्सुअल प्रोसेस, आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस, आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ और डेवलप स्पॉन्टेनियसली। क्लिसोथीसियम बनता है एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में और ये होता है आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस के बाद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मेडियन फर्न। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है, तो बहुत, अरे जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे, ठीक, जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट और टेरिडोस्पर्म में एक चीज़ बहुत हमें कॉमन मिलता है कि यहाँ पे जो भी नाम होते हैं ना किसी स्पीसीज के, जैसे एडियंटम है, नीटम है, ठीक है, तो उसके कॉमन नाम क्या होते हैं वो बड़ा पॉपुलर होते हैं, जैसे क्लब मॉस किसे कहते हैं, मेडन हेयर किसे कहते हैं, वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं, ऐसा। तो इसमें जो है मेडन हेयर किसे बोलते हैं, एडियंटम को बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 17, किसमें ट्राइकोथैलिक ग्रोथ होता है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ आप देखेंगे ये होता है एक्टोकार्पस में। क्वेश्चन नंबर 18, द वैस्कुलर एंड कैरिनल कैनाल्स किसमें पाया जाता है, ये आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे इक्विसीटम को, उसमें आपको मिलेगा कि वेलिकुलर और कैनिग्लियर कैनाल्स मिलते हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस, कौन कौन सा है, राइजोपस, सेप्रोलेग्निया, मॉर्सेला या नन ऑफ दीज। इसमें से आपका ये सेप्रोलेग्निया जो है ये एक एक्वेटिक फंगस है जो होता है यूनिसेलर और होलोकार्पिक। ठीक, द बिग, द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन, अगर आप इस चीज़ को गूगल करते हैं ना सीधे आपको मिलेगा ऑफियोग्लासम। ऑफियोग्लासम में 1000 से भी ज़्यादा क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक, एम्ब्रियोलॉजिकली विच जीनस हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम रेनुक्लेसी। मैंने आपको बताया ना क्लासिफिकेशन करने का बहुत तरीका होता है कि कोई क्रोमोसोम के बेसिस पे करता है, कोई मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करता है, कोई कुछ, तो इसमें पूछ रहा है रेनुक्लेसी में कौन सा ऐसा जीनस है जो एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे उसको अलग किया गया है, तो उसमें आपको मिलेगा पियोनिया। पियोनिया एक जीनस होता है, उसमें बहुत सारे इसके स्पीसीज हैं। पियोनिया को, पियोनिया जीनस को रेनुक्लेसी से अलग किया गया है एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फॉसिल्स आर प्रेजेंट, ये भी काफ़ी आसान है। जब आप जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो साइकेडोफिलिकेस जो होते हैं वहाँ पे टोटल जो मेंबर्स हैं वो फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, साइकस क्या है, साइकस एक प्लांट है जो होता है आपका, साइकस होता है, डाइशियस होता है और सीड बीयरिंग प्लांट होता है। डाइशियस का मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल जो भी वो होता है कोन वोन या दूसरे दूसरे प्लांट पे पाया जाता है, तो डाइशियस और सीड बीयरिंग। ठीक है, फ्रूट्स इन विच पेरिकार्प एंड सीड कोर्स आर फ्यूज आर फाउंड इन द फैमिली, किस फैमिली में, ये आपको मिलेगा पोएसी फैमिली के मेंबर्स में। जो फ्रूट बनता है वहाँ सीड कोट और पेरिकार्प होता है जो, ठीक है, पेरिकार्प क्या है, ओब्यूल का पार्ट होता है, ठीक, और सीड कोट दोनों फ्यूज रहते हैं। ठीक है, और इसको याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ग्रीन, ना ग्रीन नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्पेशल फीचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ, पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस इज, पाइनस का कह रहा है पॉलन ग्रेन का स्पेशल फीचर क्या है, वो येलो कलर के होते हैं और उसमें दो एयर ब्रेडर्स होते हैं, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज कलेक्टिवली मैच्ड, एस्टर 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 जो एक एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है उसमें वर्टिसल एस्टर इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता है, साल्विया प्लांट में स्पाइकलेग इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता है, मालवा में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता है, यूफोर्बिया में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, यही कलेक्टिवली मैच्ड किया गया है। द फर्स्ट सीड प्लांट्स अपीयर ड्यूरिंग, किसमें ड्यूरिंग हुआ था। ठीक है, वैसे मैंने काफ़ी सोर्सेस से देखा, जहाँ तक मुझे मिला कि वो था कार्बोनीफेरस, पर मैंने आंसर की भी चेक किया जो भी BHU का उस टाइम आया था वहाँ पे डेवोनियन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे लगता है कि कार्बोनीफेरस में आया था। ठीक है,
पर डेवोनियन दिया गया है। 28 मोनोसियस प्लांट विच यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किस में मिलते हैं। मोनोसियस प्लांट होंगे मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे लेकिन एक ही प्लांट पे होंगे और यूनिसेक्सुअल तो होंगे, तो किस में होते हैं? वो होंगे आपके क्यूकरबिटा मैक्सिमा और एर्जिमोन मैक्सिकाना में, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। ठीक, वैसे एर्जिमोन मैक्सिकाना श्योर नहीं हूँ पर क्यूकरबिटा मैक्सिमा में श्योर। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किस में मिलता है आपको? ये मिलता है आपको साइकस के केस में। Which one of the following woods will be non-porous? Non-porous wood को किस में होता है? ये होता है पाइन वुड। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। In which one of the following pairs of families? Spadic inflorescence किन दो families में पाया जाता है? ये आपको मिलेगा एरेसी में और म्यूजेसी में, दोनों क्या हैं? मोनोकॉटिलीडन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। फर्न एंड साइकस आर सिमिलर इन प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है फर्न और साइकस दोनों सिमिलर होते हैं किस में? उसमें कैम्बियम होता है, ट्राइकिया होता है या सीड्स होता है या सिलिएटेड मेल गैमिट्स? सिलिएटेड मेल गैमिट्स दोनों में कॉमन होता है। स्टाइलोपोडियम कह रहा है किस फैमिली में पाया जाता है? डिस्क्रिप्शन में जाइएगा जहाँ पे 33 का मैंने लिंक दिया है, बहुत अच्छा फोटो है वहाँ पे। स्टाइलोपोडियम क्या होता है? एपिएसी फैमिली का कैरेक्टर होता है। फिर चलते हैं 34 पे। इंटरजाइलरी एल्वेज है इंटरकैलरी फ्लोएम किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका स्ट्राइक मॉस प्लांट में, जीनस में। द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फाउंड बाय, किससे बनता है? ठीक, ये बनता है फ्रॉम मेगास्पोर से। 36 पे चलते हैं। व्हेन माइक्रोपाइल चलाजा एंड फ्यूनिकल्स आर इन स्ट्रेट लाइन, उस व्यूल को क्या कहते हैं? उस व्यूल को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ व्यूल। लिंक पे जाइएगा, अच्छा सा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए जहाँ पे 36 नंबर का लिंक है वहाँ पे। 37 कोरोलाइन कोरोना एंड स्टेमिनल कोरोना किस फ्लावर में पाया जाता है? ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस जाइंशिया में और एस्क्रेपिडिएसी के मेम्बर्स में मिलता है ये। ठीक, 38 एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीसार्का, ठीक, कौन सा है एम्फीसार्का का एग्जांपल? एक्चुअली ये फ्रूट का टाइप है। लिंक में जाइएगा 38 पे, बहुत अच्छा वहाँ पे दिया हुआ है। अगले मार्मेलोस में बेल जो है उसमें मिलता है। 39 टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द फॉलोइंग, किससे बनता है टेट्रा? ये बनता है टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर से। ओके, प्रो एम्ब्रियो इन पाइनस इज, होता है वो फूड टायर्ड। ठीक, प्रो एम्ब्रियो के बारे में जो आप पढ़ेंगे। द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे मिलेगा आपको ट्रॉपिकल ड्राई? अंडमान्स में नहीं, ईस्टर्न हिमालय में नो, केरला में नहीं, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। लिंक में जाइए, ये भी अच्छे से दिया हुआ है। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी किसने दिया था? आसान है, ये क्लीमेंट्स ने दिया था। मोस्ट ऑफ द की स्टोन स्पीसीज बिलोंग टू द कैटेगरी, जो की स्टोन स्पीसीज होते हैं, इकोलॉजी से आया हुआ है क्वेश्चन, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? एक्चुअली वो होते हैं की स्टोन स्पीसीज, मोस्टली टॉप प्रेडेटर्स ही होते हैं। ओके, 44 इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि आर्टिकुलारिया है, नेपेंथीज है या ड्रोसेरा है, कह रहा है कि इकोसिस्टम में किस ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस किए गए? प्लेस किए गए उन्हें ट्रॉफिक लेवल 1 पे, क्योंकि वो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। इंसेक्टिवोरस भले हैं, इंसेक्ट वो किस लिए लेते हैं? नाइट्रोजन का कमी पूरा करने के लिए, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए वो प्रोड्यूसर्स हैं और ट्रॉफिक लेवल 1 में रखे गए हैं। राउंड कियर्स लाइफ फॉर्म कह रहा है जो में ट्यूबरस प्लांट्स किस में रखे गए हैं? वो रखे गए हैं क्रिप्टोफाइट्स में। ये भी लिंक में जाइएगा अच्छे से, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, क्लिक कीजिए, जो साइट पे आप पहुंचेंगे अच्छे से दिया हुआ है। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन, कह रहा है अगर हम कोई एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं, उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नंबर किस में सबसे ज़्यादा होगा? अगर हम एक, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिए, फॉरेस्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का, नंबर की बात किया है, हमें मिलेगा कहाँ पे? पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे फाइटोपैल्ट प्लैंकटॉन्स वगैरह रहेंगे। वेटलैंड्स डे कब होता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है।
वाई शेप मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट बोथ इन डेट्रिटस एंड ग्रेडिंग फ्रूट चेन, ये भी लिंक में जाइएगा। टू जीनोटाइप्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप्स को क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसे फिनोकॉपीज। 50वें पे आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वॉज लॉन्च, भाई किसने किया था एम ए बी प्रोग्राम या जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को ने किया था। ओके सो ये था हमारा पहला पार्ट। अब 50 क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम और सारा करेंगे हमारे पार्ट सेकेंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।